बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में अपनी एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। तो देखते हैं हम उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने लिया है पनीर, ये हमारा 300 ग्राम पनीर है जिसे हमने क्यूब्स में काट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पर कितने ब्राउन स्पॉट्स आए हुए हैं। आप चाहें तो इसे बिना फ्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके बनाती हूँ। मलाई चाहिए हमें एक कप, एक कप चाहिए हमें दही, प्याज चाहिए हमें दो बड़े साइज़ की जिन्हें हमें स्लाइसेस में काट लेना है, ज़ीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 लौंगे, नमक चाहिए हसब ज़रूरत, काजू चाहिए हमें 15 से 20, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये चाहिए हमें देसी घी पकाने के लिए। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक चाहिए हमें तेज़पत्ता और 2 बड़े साइज़ के टमाटर प्यूरी बनाने के लिए। यहाँ पे चाहिए हमें लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, और 5 से 6 चाहिए हमें हरी मिर्च, और दूध चाहिए हमें 1 पाव। ये 250 ग्राम हमारा दूध है। अब हम इसे बनाने की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले अपना मिक्सिंग जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम जो हमारी कटी हुई प्याज थी, बीच में जाएगी हमारी हरी मिर्च और काजू, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने प्याज काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब इसी जार में हम ऐड करेंगे जो हमारे टमाटर थे, और अब हम इनकी प्यूरी तैयार कर लेंगे, इन्हें पीस लेंगे। ये देखिए टमाटर का पेस्ट भी हमने बना लिया है। अब हम इसे पकाने की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। ये देखिए हमने अपने पैन में जो हमारा घी जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, ये वही वाला घी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे मोटे मसाले हैं, जैसे ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंगे, और 1 तेज़पत्ता। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें से हमारा तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्याज काजू और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज काजू और हरी मिर्च का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी टमाटर की प्यूरी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक, पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और अब हम इन सभी मसालों को इसमें मिलाकर जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये मसाला हमारा तेल नहीं छोड़ देता। ये देखिए दोस्तों मसाला हमारा भुन चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से तेल इसके सरफेस पर आ चुका है। हमारा घी, सॉरी मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी दही है, इस दही को मैंने थोड़ा सा फेंक लिया था, और इसे मिलाकर फिर से हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक दोबारा तेल सरफेस पर नहीं आ जाता। देखें दोस्तों शाही पनीर का हम दही डालकर हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी क्रीम है, इसे मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पनीर है। पनीर के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और 5 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हमारे पनीर के टुकड़ों में मसाला अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट हमारे पनीर को पकते हुए हो गए हैं। यहाँ आकर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूध, जितनी भी पतली आप अपनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कसूरी मेथी,
कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रश करके डालें इस तरह से, और इसको मिक्स करके हमें 2 मिनट ढककर एकदम हाई फ्लेम पर इसे पका लेना है। ये देखिए 2 मिनट हमारे पनीर को फुल आंच पर पकते हुए हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। पनीर हमारा पक के तैयार हो चुका है। नीचे हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम आपको अपना पनीर डिश आउट करके दिखाएंगे। शाही पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी पनीर बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे अपनी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।